नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने आए हैं देवोत्थानी एकादशी। दीपावली के बाद हमारा ये त्यौहार पड़ता है। इसके बारे में हम जानेंगे कैसे विधि विधान से हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। भगवान को जगाने के लिए देवोत्थानी एकादशी 14 नवंबर 2021 को मनाया जाएगा और शुभ दिन जो है हमारा कौन सा पड़ेगा, रविवार को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। तो देखते हैं पूजन विधि और शुभ मुहूर्त। पूजन विधि क्या है, इस दिन हम स्नान आदि से निपटकर धूप दीप दिखाकर और संघ घंटा बजाकर भगवान को जगाएंगे और उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर भगवान को स्नान कराएं। पंचामृत आदि से स्नान कराकर वस्त्र जनेऊ रोली चंदन चावल फूलमाला और इत्र आदि से भगवान को अलंकृत करें। इसके बाद भगवान को गन्ना सिंघाड़ा और शकरकंद अर्पित करें और हाँ, अगर सामर्थ्य हो तो भगवान को 56 प्रकार के भोग अर्पण करें। जैसा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि देवोत्थानी एकादशी से ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और मान्यता भी है कि जिस मनोरथ का फल त्रिलोक में कहीं न मिल सके वह देवोत्थानी एकादशी व्रत से प्राप्त किया जा सकता है। और शुभ मुहूर्त कब से शुरू हो रहा है, 14 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। तो प्रारंभ जो है ये 14 नवंबर सुबह 5:48 बजे से मुहूर्त जो है प्रारंभ हो जाएगा और समापन कब होगा इसका, 15 नवंबर सुबह 6:39 बजे समापन होगा। और बताते चलें, वर्ष की सभी 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण हरि प्रबोधिनी यानी देवोत्थानी एकादशी 14 नवंबर को सूर्योदय के समय से प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन सूर्योदय तक व्याप्त रहेगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसा कि हमने बताया कि जिस मनोरथ का फल त्रिलोक में कहीं ना मिल सके वह देवोत्थानी एकादशी व्रत से प्राप्त किया जा सकता है। इस पर्व का महत्व क्यों ज़्यादा है, क्योंकि भगवान विष्णु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी को विश्राम के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और 4 महीने विश्राम के बाद इस एकादशी को ही भगवान जागते हैं, इसलिए भी इसे देवोत्थानी यानी देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। और इसके साथ ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन किसी भी कार्य का शुभारंभ करने से संपन्नता मिलती है और संपन्नता रहती है। ठीक, विशेष वस्तुओं का अर्पण, भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। धन वृद्धि के लिए इस दिन सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं भगवान को। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। अटके हुए कार्य बनाने के लिए नारियल और थोड़े से बादाम चढ़ाएं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पीले रंग के कपड़े पीला फल पीला अनाज अर्पण करें और फिर गरीबों और ज़रूरतमंद को दान करें। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से
घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। किसी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। तो इस तरह से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की देव उठनी एकादशी को आप विधान पूर्वक मनाइए पूरी श्रद्धा के साथ। नमस्कार।